नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर है, जहां एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दीदारगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना दीदारगंज पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त श्याम बच्चन उर्फ अंतु को दिल्ली से धर दबोचा है, जो कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शातिर किस्म का अपराधी है, पहले भी इसके साथ पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है, इसमें यह गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। दीदारगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। अंतु जो कि एक शातिर बदमाश है और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, ये दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और इसे गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष दीदारगंज, उनकी टीम और प्रभारी स्वेट टीम ब्रजेश सिंह और उनकी टीम, ये शामिल रहे। और ये पहले भी एक शातिर बदमाश है, ये पहले भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड चल रहा था और उससे पहले भी एक और पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ था। और शातिर बदमाश है, इसके जो साथी गिरफ्तार हुआ था उसके पास से 5 मोटरसाइकिल मिली थी और ये उसमें फरार हो गया था। तो आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी से निश्चित रूप से जो योजना बना रहा था ये और क्राइम करने की, उस पर लगाम लगी। किस तरीके का काम करता था, कितने दिन करता था? देखिए, सब तरह का काम करता था। अभी ये प्लान कर रहा था एक और मर्डर करने की दूसरे जनपद में, और इससे पहले मोटर चोरी के केस में ये था, जिसमें वांटेड था, पुलिस मुठभेड़ में वांटेड था। चोरी का काम भी क्या करता, हर तरह का जो काम भी इसे मिल जाता था वो काम ये क्या करता था। बहुत ही शातिर बदमाश है।